फ्रेंड्स नमस्कार, डेजर्ट लिविंग एंड ऑल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे एक छोटा सा ही वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि जैसे एसीपी के बाद में जो हम बेसिक को अपडेट करते हैं वो किस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो हम जो पे डिटेल में ही जाकर के करते थे वो होता था, लेकिन अब उस तरह से नहीं होता, हमें एक रिक्वेस्ट फाइल करनी पड़ती है। तो उसी का ये एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये बहुत ही जानकारी वाला है, तो आप ज़रूर देखिए। शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पे मैनेजर की साइट पे जाके हम पे मैनेजर ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा कर के मेन साइट में जाएंगे पहले। तो फ्रेंड्स, हम मेन देखिए ये फ्रंट पे आ गए हैं हम। अब हमें किस तरीके से अपडेट करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारा जो कार्मिक है वो लेवल 11 से लेवल 12 पे आ गए हैं आफ्टर एससीपी, तो हमें उसे किस तरह से अपडेट करना है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहले आप मास्टर में एम्प्लॉई डिटेल में जाएंगे और इस तरीके से आप पहले कर्मचारी का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे बैंक में हम आने के बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कर्मचारी का लेवल 11 दिख रहा है, जो हमें लेवल 12 करना है। तो पहले जब हम यहाँ पे करते थे तो यहीं से ही हम लेवल को चेंज कर देते थे, और उसके बाद में यहाँ पे एक अपडेट का ऑप्शन होता था, उससे हम उसे अपडेट कर देते थे और बेसिक को चेंज करने पर बेसिक भी चेंज हो जाती थी। बट अब ऐसा नहीं है, हमें रिक्वेस्ट फाइल करनी होती है। तो हम रिक्वेस्ट फाइल कहाँ से करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको ऑथराइजेशन में जाना है, और ऑथराइजेशन में जाने के बाद में एम्प्लॉई डिटेल अपडेशन, देखिए ये कॉलम है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे एम्प्लॉई पे डिटेल अपडेट को क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जब सेलेक्ट ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपको बाय नेम और बाय सर्च, तो हम बाय नेम सर्च करेंगे, तो यहाँ बिल नेम आ गया, और बिल नेम से आप कर्मचारी का नाम क्लिक कर लेंगे जिस कर्मचारी की एसीपी को अपडेट करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 7th और लेवल 11 आ गया है, तो यहाँ पे हम लेवल 12 कर देंगे, और यहाँ बेसिक भी चेंज करेंगे, जो बेसिक चेंज हुई है वो हम कर्मचारी की बेसिक बदल देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ब्राउज़र से जो फाइल, जो ऑर्डर है, जो एसीपी का ऑर्डर आया है, उसको आप यहाँ से उठा लेंगे, फाइल को पहले पीडीएफ में सेव कर लेंगे, और यहाँ से ब्राउज से आप फाइल उठा लेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ अपडेट कर देंगे। तो ये अपडेट होने से अपडेट होकर के ये एचओडी को फाइल आपकी एचओडी को चली जाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, जब आप यहाँ से इसे अपडेट करेंगे तो आपको ये फाइल जी है जो आपकी रिक्वेस्ट है एचओडी के पास चली जाएगी, और वहाँ से अप्रूव होने के बाद में आपकी ये जो एम्प्लॉई डिटेल है यहाँ पे आपकी बेसिक और लेवल दोनों चेंज हो जाएंगे, जैसे कि आप कर्मचारी कर्मचारी के यहाँ से लेवल भी चेंज हो जाएगा। फिलहाल एचओडी को फाइल भेज रखी है, रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, तो वो चेंज होने में एक दिन का समय लगता है, और उसके उपरांत ये होगा। तो मैंने आपको ये एक छोटी सी वीडियो बताई है, इस पर ये आपकी जानकारी के लिए है, और ये अब यही अपडेट हो गया है। पहले आप मैनुअल कर सकते थे, लेकिन अब आपको ये एचओडी को रिक्वेस्ट भेजनी होगी, उसके बाद ही ये होगा काम। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये आपके लिए इन्फॉर्मेशनल है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरे कुछ पे मैनेजर से रिलेटेड वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं ऐसे ही आपके लिए जानकारी वाले वीडियोज़ बनाती रहूँगी, और आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके
पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करूंगी। तो और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।